हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है लोक उक्तियाँ। इट मीन्स ऐसी कुछ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो लोगों द्वारा किसी खास अनुभव के कारण अपनी बोली में, भाषा में प्रचलित कर लिए जाते हैं। वो किसी खास मौके पर कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये कह लें हम कि गागर में सागर भरने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग या मुहावरों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये खुद एक मुहावरा है कि गागर में सागर भरना। इसी प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं कम शब्दों में अपनी बात को समझाने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमने 7 लोकोक्तियाँ करनी है। फर्स्ट है अंत भला सो भला, मीन्स काम का यदि अंत अच्छा हो तो काम अच्छा समझा जाता है। ठीक है, कि अगर अंत में अच्छा हो जाए तो सारा काम अच्छा ही लगता है। अगर सारा काम सही कर लें हम, लेकिन एंड में आकर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी, कि अगर बहुत सारे मूर्ख लोग हैं उनमें अगर थोड़ा सा कोई समझदार बैठा है तो हम कह देते हैं कि अंधों में काना राजा। काना होता है एक आँख से काना, और अंधा होता है दोनों आँखों से जिसको ना दिखाई दे, तो इससे तो एक आँख वाला सही है ना। नेक्स्ट है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे एक मुहावरा होता है एक और एक 11, मीन्स एकता में ताकत होती है, एक व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है। सच में ऐसा ही होता है कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता है और वो बहुत बोलता रहता है, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें बनाता रहता है, लेकिन उसके पास एक्चुअल में कोई ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार अगर पानी की पूरी भरी हुई बाल्टी है या घड़ा है तो उसमें से पानी गिरता नहीं है क्योंकि उसको हिलने के लिए स्पेस नहीं मिलता, लेकिन अगर वो आधी भरी हुई है तो उसके पास बाकी जो ऊपर खाली स्पेस बचा है उसमें वो हिलता रहता है, उसको कहते हैं छलकत जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, की अवसर, अवसर मीन्स मौका, समय बीत जाने पर पछतावा व्यर्थ है, बेकार है। जब हमारा टाइम ही निकल गया, मौका ही निकल गया, तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेटर है कि हम समय की कदर करें, टाइम पे सारा काम कर लें। क्योंकि जब देखो चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं, उसमें से दाना जो बोया था उसको चिड़ियों ने चुन लिया, तो अब वहाँ पर फसल ही नहीं हो सकती, अब हम पछता कर क्या करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मीन्स दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर आरोप लगाना। आरोप क्या होता है? किसी पर दोष लगाना। ठीक है, कि जो जिसका कोई दोष नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उस पर दूसरा व्यक्ति दोष लगाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो लोकोक्ति है वो है एक अनार सो बीमार, चीज़ थोड़ी चाहने वाले अधिक होते हैं। कि जब हमारे पास एक चीज़ है लेकिन उसकी मांग करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तब हम ये वाला लोकोक्ति को प्रयोग करते हैं कि एक अनार सो बीमार किस किस में बांटेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बेटे 1 to 7 आपने लोकोक्तियाँ जो हैं वो करनी है, लर्न करना है, इनको आपने राइट नहीं करना है। ठीक है, और लेकिन लर्न करने के बाद आपने रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि एग्ज़ाम के लिए आप अभी से रेडी हो जाओ। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।